नमस्कार, आठ बज चुके हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है प्रोग्राम 8 PM में और मैं हूं आदर्श पाल गुप्ता। आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। कॉर्पोरेटर्स की बात करें तो आज भी ऐसे कॉर्पोरेटर्स हैं जो वाकई जमीन के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ ऐसे कॉर्पोरेटर थे जो टू व्हीलर पर घूमते थे, आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो साइकिल पर ही घूम रहे हैं। जी हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लोग भी गाड़ियाँ खरीद सकते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम सकते हैं, लेकिन ये साइकिल पर इसलिए जा रहे हैं ताकि ये लोगों से जुड़े रहें, आम जनता से जुड़े रहें, जमीन के साथ जुड़े रहें। वाकई ये लोग समाज सेवा करना चाहते हैं। मैं साइकिल पे आ गया हूँ। लेकिन सर, हम ये मानते हैं कि आपके पास गाड़ी है, लेकिन हमने देखा कि कुछ ऐसे कॉर्पोरेटर्स हैं जो टू व्हीलर्स पर चलते थे, आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वो मरना जीना अपना अपना है। जिसने भी जो कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। जैसे भी हमें नेक रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। हमें सिर्फ ईमानदार होना नहीं चाहिए, लगना भी चाहिए, और लगना ही नहीं चाहिए, होना भी चाहिए। जाने के लिए एक मैसेज देने का प्रयास है कि अगर आप ग्राउंड से जुड़े रहेंगे तो वाकई में आप लोगों के काम कर सकेंगे। बिल्कुल, जनता के साथ जुड़े हुए, आम पब्लिक के साथ जुड़े हुए लोग हैं हम और अपनी जनता में गैप नहीं रख सकते। और मैं कहीं पे भी नहीं रखा हूँ। जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर था, मैं कॉलेज का प्रिंसिपल था, तो मैंने तब भी अपने बच्चों के साथ गैप नहीं रखा, कोई फर्क नहीं रखता हूँ। हमारे कॉलेज के कहीं कहीं जाके जो हमारे पीन होते थे, वो कहते नहीं आप क्यों इन बच्चों को सिरे चढ़ाते हो। मैंने कहा नहीं, बच्चों की खातर तो हम हैं, अगर ये बच्चे ना हो तो मैं कॉलेज में प्रिंसिपल किस बात का हूँ, तो आप इनको अंदर आने दिया करो। नहीं जी, जी ऐसे ही आ जाते हैं। मैं नहीं, बहुत बड़ी बात है कि आप एक कॉलेज के प्रिंसिपल होने के बावजूद भी लोगों को शिक्षा देते हैं, और आज भी इस समय शिक्षा ही है, क्योंकि साइकिल पर चलना, सेहत फिट रहना, बड़े इससे पोल्यूशन से बचने की जो आप बात कर रहे हैं, वाकई में ये सराहनीय कदम है। क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ आज की यूथ को या जम्मू कश्मीर के लोगों को? साइकिलिंग लोग करते हैं, लेकिन साइकिलिंग दिखावे के लिए ज्यादा करते हैं इसको। मैं तो म्यूनसिपलिटी को भी कहूँगा कि म्यूनसिपलिटी को भी साइकिलिस्ट के लिए सेफ ट्रैक भी बनाने चाहिए। मैं साइकिल चला रहा हूँ, मैं बच्चों को नहीं कहूँगा चलाने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं ये गाड़ियाँ चल रही हैं, ये मजाक करते हैं कि डॉज करते हैं ये, तो मैं बच्चों को नहीं ऐसे हालत में कहूँगा। सेफ जगह चलाएं, चलाना है तो ऐसी ट्रैफिक में मत चलाएं। मेरे को पता है, मैं ऐसे हालत में जो साइकिल चला रहा हूँ ये खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे वो रोड नहीं है जो होने चाहिए हमारे स्टेट में। ऐसी सड़कें, गलियाँ, इनके लिए ट्रैक अलग साइकिलिंग के लिए होना चाहिए, वो साइकिलिंग के लिए ट्रैक बनाए तो बहुत अच्छा है सभी को। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पुंछ जिले के मेंढर के घरोटी गांव में संपत्तियां कुर्की हैं। जांच एजेंसी को बालाकोट, मेंढर और पुंछ में हथियारों, आर्म्स, ड्रग्स बरामद हुए। जांच एजेंसी ने चार संपत्तियां, जिसमें 15 सर्वे नंबर के तहत 59 कनाल और 12 मल्ले भूमि कुर्क की गई है। आरोपियों का नाम मोहम्मद यासीन पुत्र साखी बलायत के रूप में हुआ है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुक्रवार दूसरे दिन भी जारी है। ये बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सूत्रों के अनुसार मुठभेड़ स्थल पर 5 आतंकियों को मार गिराया गया है। मारे गए आतंकी लश्कर तैयबा से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इलाके में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। राजौरी के बुद्धर पुलिस थाने के तहत पड़ने वाले बहरोट गांव में 2 से 3 आतंकियों की मौजूदगी के विशेष इनपुट पर तलाशी घेराबंद कर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। यहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। जम्मू संभाग के जिला राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ इस समय चल रही है। इस दौरान आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई है। दोनों ओर से गोलीबारी इस समय जारी है। पीपी न्यूज लाइन के रिपोर्टर रुपेश राज हमेशा हर खबर पर पैनी नजर रखते हैं। आप देखिए, अगर हम अप्सरा रोड यानी गांधीनगर की बात करते हैं तो स्मार्ट सिटी तो बन गया है, सड़क बहुत अच्छी है, बिल्कुल पूरी तरह से साफ सुथरी हो चुकी है, लेकिन समय ही घड़ी का ठीक ना हो तो कोई क्या करे। देखिए, साफ तस्वीरें हम आपको घड़ी की दिखा रहे हैं, वहाँ पर समय ही ठीक नहीं है, यानी कि घड़ी ही नहीं चल रही तो समय किस तरह से आगे बढ़ेगा। और बिल्कुल साफ तस्वीरें आपको पीपी न्यूज़ लाइन के माध्यम से दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें अप्सरा रोड गांधीनगर की हैं। लोगों की गलियों के अंदर जाएंगे तो बुरी हालत है, इतनी दिक्कत है। हालांकि कुछ देर बाद भी हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जाएंगे पीपी न्यूज लाइन के माध्यम में। कुछ आधे घंटे के बाद आप लोग फिर से पीपी न्यूज लाइन के साथ जुड़े, जरूर जुड़िएगा,
और आपको ऐसी खबर दिखाएंगे आप खुद हैरान हो जाएंगे। वाकई में ऐसा क्या सिर्फ नाम की कॉरपोरेशन थी, क्या नाम के कॉरपोरेटर थे, नाम के बस वही था। कल भी एक खबर हमने आपको दिखाई कि किस तरह से कॉरपोरेटर जो थे वो साइकिल पर चल रहे थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो टू व्हीलर्स पर चल रहे थे, लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियों में आज घूम रहे हैं। लेकिन हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, लेकिन सच्चाई जरूर सामने आनी चाहिए। लेकिन सच्चाई सामना लाना भी आजकल बड़ी दिक्कतों का साथ इंसान को रहना, सोच समझ कर सामना आना पड़ेगा। बस हमारा यही मकसद था आपको आज की ये तस्वीरें दिखाने का कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जो लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, और वाकई में गलियों के अंदर अब तो कॉरपोरेशन भी खत्म हो गई है। अब तो जनाब क्या कहते हैं कि जो लोग इस समय नौकरशाही लोगों का बड़ी राह चलेगा, लेकिन इससे बेटर है कि वो लोग काम करते भी है और सुनते भी है, वो मुझे लगता है सबसे बेटर रहेगा। तो इस तरह की कॉरपोरेशन बनाना ये बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ये देखें आप इस तरह की अप्सरा रोड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्या इतनी बड़ी यहाँ पर घड़ी लगाई गई है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं है, उल्टा सीधा टाइम चलता रहता है। कभी रात को लोग हमें कॉल करते हैं, सर अभी 10 बजे है, ये 6 बजा रही है। 4-5 दिन पहले भी लोगों ने हमने कॉल किया, लेकिन हालांकि जब हम यहाँ पर पहुंचे शायद इस घड़ी को जो था वो ठीक कर दिया गया था। जनता अपनी राय जरूर रखिएगा, आप लोग अपनी राय जरूर रखिएगा। और क्या वाकई में जम्मू में स्मार्ट सिटी बनी है, स्मार्ट आप लोगों के काम हुए हैं, तो लोग अपनी राय आप लोग जरूर अपनी राय आप लोग जरूर दें। और कुछ ही देर के बाद आपको ऐसी खबर पीपी न्यूज लाइन के माध्यम से हम दिखाएंगे, आप भी हैरान रह जाएंगे। और भी कोई अपडेट हमारे पास होगी तो तुरंत हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन जम्मू से। अक्सर लोग अपनी समस्याओं को लेकर बहुत सारा प्रदर्शन करते हैं, बात रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो उनकी बात होती है ना, जो उनकी समस्या होती है ना, वो ज्यों की त्यों रह जाती है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं पीपी न्यूज़ लाइन के माध्यम से, दिखाते हैं सीधी तस्वीरें बाहु फोर्ट एरिया की। और देखिए वहाँ पर बिजली की बात कर लीजिए, पानी की बात कर लीजिए, या फिर सड़कों या फिर गलियों की बात कर लीजिए, बुरा हाल है। और लोग अपनी बात सरकार तक पहुँचाने में पूरी तरह असमर्थ हैं। और फिर हमारे पीपी न्यूज़ लाइन के रिपोर्टर रुपेश राज हमेशा लोगों की समस्याओं को उजागर करते हैं, और बहुत हद तक सरकार के कानों तक ये आवाज़ भी पहुँचती है और पहुँचाने की कोशिश भी करते हैं। तो चलिए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं पीपी न्यूज़ लाइन के माध्यम से बाहु फोर्ट की सीधी तस्वीरें। नंबर 47 कहते हैं कि काफी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन आपको ये तस्वीरों में दिखा दें कि किस तरह की दिक्कत है यहाँ पर। लोग परेशान, लोग चलने से इस रोड पर चल नहीं सकते, छोटे छोटे बच्चों लेकर अपने घर की ओर, और पाइपें जो लगाई हैं वो बिल्कुल नालियों के अंदर। बड़ी टेक्नोलॉजी है नई इस समय स्मार्ट सिटी की, शायद हमें नहीं पता होगा, लेकिन आप अपनी राय जनाब जरूर दें। ये देखें बिल्कुल लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जम्मू के पुंछ इलाके में उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब एलपीजी सिलेंडर ले जा रहे ट्रक में भीषण आग लगी। हालांकि सिलेंडर ले जा रहे ट्रक में लगी आग को अग्निशमन सेवा विभाग ने तुरंत ही काबू में कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि 20 एलपीजी सिलेंडर ले जा रहे ट्रक में सुरनकोट इलाके में आग लगी और कुछ ही समय में पूरा ट्रक आग की चपेट में आ गया। आग से कोई बड़ी दुर्घटना ना हो इसके चलते सड़क पर यातायात रोक दिया गया और अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग की ओर से तत्काल ही मदद को घटना स्थल पर भेजा गया। अधिकारियों ने बताया कि आग पर काबू पाने में करीब विभाग को 1 घंटे का समय लगा। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।